मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द बार्स इंटरनेशनल स्कूल। आज आपके क्लास फोर का सैटरडे का जो अपना स्पेशल क्लास होता है मैथ्स टेबल्स का, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में अपन ने 28 की टेबल्स जो थी वो लर्न की थी, ठीक है। ओके, आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगी होमवर्क में, और उसको जो भी है पूरे हफ्ते जो भी आपको एक जो टेबल में करवाता हूँ वो पूरे हफ्ते उसको आप रिवाइज करें, क्योंकि एक बार करने से याद नहीं होगी, आपको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे मैथ्स के अंदर अपना जो है क्या है, टेबल्स का टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें आज तक स्टार्ट करने जा रहा है 21 की टेबल, ठीक है, 21 की। तो 21 से 21, ठीक है। देखिए, कोई भी नंबर 1 से करते हैं तो कोई नंबर आता है, तो बहुत इजी रहता है। 21 2 सा, ठीक है। 21 2 सा के लिए आपको क्या करना है, 22 सा करना है। 22 सा कितना हो जाएगा, 40, और 1 2 सा 2, इसमें ऐड करना है कि 42 हो जाएगा। 21 3 सा के लिए भी ऐसे करना है, 23 सा 60, और 1 3 सा 3 60 हो जाए, 63 हो जाएगा, ऐसे करना है। 21 4 सा के लिए 20 4 80, और 1 4 सा 4, 80 प्लस 4 84 हो जाएगा। 21 5 सा के लिए 20 प्लस 20 5 100 प्लस 1 5 सा 5, तो 105 आपका आंसर आएगा। फिर 21 6 सा के लिए भी ऐसे करना है, 26 सा 120, और 1 6 सा 6 120 और 6 136। 21 7 सा के लिए 20 into 7 140, और 1 7 सा 7, 140 plus 7 147 आ जाएगा। फिर 21 8 सा के लिए 8 2 सा 16, 20 8 सा 160, और 1 8 सा 8, 160 plus 8 168 आ जाएगा। फिर 21 9 सा के लिए 20 into 9 यानी 180, और 1 9 सा 9, 180 plus 9 189 आएगा। फिर लास्ट 21 10 सा, 10 सा के लिए वैसे आसान होता है, जो भी नंबर होता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसके नीचे 0 लगाना होता है। तो 21 और 0 100 टाइम आ जाएगा आंसर, नहीं है तो 27 करके देख सकते हैं। 20 10 सा 200, और 1 10 सा 10, 200 plus 10 210 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सारे नंबर है वैसे तो अपन ने जैसे अभी इसको मैंने आपको 20 के टेबल से रिलेट करके भी समझाया है इसको, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। फिर भी इसको अपन रीचेक करके देख लेते हैं एक बार। तो 21 1 सा करके देखते हैं, ठीक है। तो 21 1 सा आपका क्या हो जाएगा, 21 1 सा हो जाएगा, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, ठीक है। आंसर आपका 21 आएगा, 21 ही आ रहा है, यही सही है। उसके बाद में 21 2 सा करके देखते हैं, तो देखिए 2 1 सा 2, और 2 2 सा 4, 42 आना चाहिए, 42 आ रहा है, यही सही आंसर। फिर 21 3 सा करके देखेंगे, ठीक है। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, क्या है आंसर, 63 है, यानी सही है। ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो थोड़ा सा आपको क्या होता है, वो चीज जो है वो रिकॉल होगी आसानी से, ठीक है, और आपका आंसर वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, और याद चल जाता है। और 21 4 सा करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, यानी आंसर 84 आएगा, 84 ही आ रहा है, सही है, ठीक है। उसके बाद में 21 5 सा करके देखते हैं, ठीक है। तो 1 5 सा 5, और 5 2 सा 10, 105 ही आ रहा है, ठीक है। तो 5 सा नंबर ने चेक कर लिया, आंसर अपना सही है, 21 42 63, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे 84 105, ये सब सही आ रहा है, और अपन 21 6 सा करके देखते हैं, ठीक है। थोड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन है, 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, आंसर 126 आना चाहिए, 126 आ रहा है, सही है। अब 21 7 करके देखते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 आ गया, 7 1 जा 14, यानी 147 आएगा, 147 आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर 21 8 सा, ठीक है। तो 21 8 सा आपको कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, और 8 2 जा 16, यानी 168 आना चाहिए, 168 आ रहा है, ये आंसर आपका सही है। उसके बाद में 21 9 सा सेकंड क्लास में, ठीक है, 9 1 जा 9, और 9 2 जा 18, तो आंसर आपका 189 आना चाहिए, और 189 ही आ रहा है, ठीक है। लास्ट आपके बचता है 21 10 सा, ठीक है, ये आसान होता है, कभी भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 0, 1 1 जा 1, 1 इंटू 9 नंबर, यानी ये आपके क्या जाएगा, 210 आएगा, और 210 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 21 की टेबल, ठीक है, इस हफ्ते के, ठीक है। अब नेक्स्ट हफ्ते जो है अपन 22 की टेबल करेंगे, बट आपको ये टेबल जो है अच्छे से याद होना हो जानी चाहिए नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। आप डेली इसको एक बार रिवाइज करें, दो बार करें, तीन बार करें, जब तक नहीं होता है बार बार लिख के भी करें, एक बार वापस अपन रिकॉल करते हैं इसको। 21 1 सा 21 21 2 सा 42, 21 3 सा 63, 21 4 सा 84, 21 5 सा 105, 21 6 सा 126, 21 7 सा 147, 21 8 सा 168, ठीक है, 21 9 सा 189, और 21 10 सा 410, ठीक है। ये आपकी 21 की टेबल हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन अगेंस्ट की टेबल